दो लड़कियों ने एटीएम लूटने का मस्त तरीका निकाला और देखते ही देखते लखपति हो गई। पर वही है ना, किस्मत ने साथ नहीं दिया और एंड में पकड़ी गई। अब पूरा केस सुना हुआ क्या, हमारे बिहार के पटना में ये दो लड़कियां हैं, दोनों ग्रेजुएट हैं, पढ़ी लिखी हैं। अब ये क्या करती थी कि एटीएम के अंदर जाके एटीएम मशीन में एक एल्यूमिनियम की पत्ती फंसा देती थी। अब कोई भी आदमी एटीएम आता था कैश निकालने के लिए तो मशीन कैश को डिस्पेंस तो करती थी लेकिन पैसे बाहर नहीं आते थे क्योंकि वो अटके हुए होते थे। अब कस्टमर को लगता था कि यार मशीन खराब है, वो परेशान होकर वहां से चला जाता था। ये आती थी, कैश को निकाल लेती थी और ऐसे करके उन्होंने लगभग 5 लाख रुपए निकाल लिए। और खर्च कहां पे, मॉल में जाके शॉपिंग करना, लिपस्टिक वगैरह ये सब। अब ये पकड़ी कैसे गई, अब एक भाई साहब आए उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम, पर वो वहां से गए नहीं, खड़े रहे। अब जब ये आई, इन्होंने निकाला, उन्होंने बोला भैया तुम गड़बड़ कर रही हो, उल्टा इन्होंने उन्हें भाई साहब के ऊपर छेड़खानी करने का आरोप लगा दिया, बवाल मचा दिया, पुलिस आ गई। और जब पुलिस ने डंडा दिया तो फिर राज निकला कि भैया क्या चल रहा है। अब हैरानी की बात तो ये कि ये लाखों रुपए का सामान घर लेकर जा रही थी लेकिन मां बाप ने क्या कभी पूछा नहीं कि भैया इतने महंगे गिफ्ट तुम्हें देता कौन है।